प्रतिक्रिया के लिए किसी भी सुपूर्वक आसन में बैठ जाएं, चाहे सुखासन, चाहे वज्रासन, चाहे पद्मासन। प्राची पद्मासन लगा रही है और दीपांशी वज्रासन में बैठी है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। अब श्वास छोड़ते जाइए, श्वास छोड़ते जाए, पेट को अंदर खींचते जाए। हर एक्सहेलेशन के साथ पेट अंदर जाता जा रहा है। कपाल भाति क्रिया, जैसे कि नाम विदित है, कपाल यानी कि ललाट, भाति की प्रकाश यानी कि आपके ललाट पर चमक चमक आने लग जाती है। और यह कब आती है? जब आपका शरीर निरोगी हो जाता है, आप जब आपका पेट का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जितने भी विजातीय द्रव्य हैं वो बाहर निकल आते हैं और तब हमारे चेहरे पर एक प्रकाश आने लगता है। कपाल भाति क्रिया तीन तरीके से की जा सकती है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। हमें हमेशा कपालभाति क्रिया कोशिश करें कि मध्यम गति से करें, न ज्यादा धीरे न ज्यादा तेज। कपालभाति क्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जिनको पेट में अल्सर होता है कपालभाति क्रिया नहीं करेंगे। जिसको हृदय रोग हो बहुत ज्यादा देर तक कपालभाति क्रिया ना करें या ना ही करें। 40 श्वास को जब हम छोड़ देते हैं तब उसके बाद कपालभाति क्रिया चालू होती है। और एक बार में 150 से 200 श्वास ही छोड़िए, उसके बाद एक विश्राम कीजिए। विश्राम